गुजिया लगती है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी वे, और बनेगी बहुत ही आसान अगर आप फॉलो करेंगे मेरे स्टेप्स। मैं लेके आई हूँ टू टाइप्स की गुजिया की रेसिपी आज, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डो की तैयारी करनी है। मैंने लिया है 1 कप मैदा एंड 1/4 कप सूजी। साथ ही में लूँगी मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी, और इसे बहुत ही अच्छे से मिलाना है हमने पानी मिलाने से पहले, बिकॉज़ इसी से खस्ता बनती है हमारी गुजिया। देखिए ये कैसे मसल रही हूँ, ये इकट्ठा इकट्ठा हो जाना चाहिए आपका, ये देखिए। बस इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालेंगे। इसका हार्ड डो हमने तैयार करना है, सॉफ्ट नहीं रहेगा। उसके बाद में हल्का सा ऑयल लगा के और गीले कपड़े के साथ हमने इसे ढक देना है 10 से 15 मिनट। साइड बाय साइड हम अपने तैयारी करेंगे मिक्सचर की, जो हमने स्टफ़ करना है। सबसे पहली स्टफिंग के लिए मैंने लेनी है कुछ टूटी फ्रूटी, थोड़ा मावा। मैंने लिया है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, कि थोड़ा थोड़ा मेरा जिस हिसाब से लगेगा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिया था टोटल 100 ग्राम्स, जिसमें मेरी एक स्टफिंग तैयार हो रही है। ये मैंने डाली टूटी फ्रूटी, थोड़े स्प्रिंकलर्स भी मैं डाल रही हूँ। आप जो पसंद है आप डाल सकते हैं, और जो नहीं पसंद आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये गुलकंद है, कोई और मिक्स भी आपको रोज़ पेटल्स का मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है, आपकी माउथ फ्रेशनर या पान की शॉप में मिल जाएगा आपको। ये देखिए बहुत टेस्टी गुलकंद वाला मिक्स तैयार है हमारा। दूसरा रहेगा चॉकलेट का, जिसमें मैंने ग्रेट करके डाला है डार्क चॉकलेट, साथ में कुछ स्प्रिंकलर्स और साथ में खोया। इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है, देखिए बिल्कुल आप चेक करेंगे। और साथ में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट काट के और स्प्रिंकलर्स रखे हैं सजाने के लिए, और वाइट चॉकलेट भी साथ में सिरप। ये एंटायरली डिपेंड करेगा आपके टेस्ट के अनुसार से। देखिए बनाने के बाद स्टफिंग, अब मेरे को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर रही हूँ अपना डो, ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, सूजी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एंड बहुत ही अच्छा डो हमारा रेडी हुआ है। हमने क्या करना है कि आप सांचा भी ले सकते हैं, लेकिन सांचा हर किसी के पास अवेलेबल नहीं भी होता है गुजिया का, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बिना उसके कैसे तैयारी करनी है। आप छोटी सी आटे की लुई लेंगे और इसको हम रोल करेंगे एक चपाती साइज़ में। मैंने अलग अलग साइजेस में बनाए थे, कोई बड़ा कोई छोटा, बिकॉज मुझे चाहिए था थोड़ा सा वेरिएशन। आप अपने हिसाब से अगर एक ही साइज़ चाहते हैं आप, तो आप डिफरेंट तरीके से। आप देखिए मैं कैसे इसको डाल रही हूँ, कि मैंने हाफ साइड पर डाल के स्टफिंग को प्रेस किया फिंगर के साथ, फिर इसे सुंदर सा शेप देने के लिए गुजिया का मैंने फोक के साथ डिज़ाइन दे दिया है। ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहते हैं एक ही साइज़ रहे आपकी गुजिया का, तो आप कटोरी से जैसे मैंने कट करके दिखाया ऐसे कट करके भी कर सकते हैं। और इसे बाइंड करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से बाइंड कीजिए, और इसे हमने दोनों स्टफिंग के साथ तैयार कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एंड जब आप ये खाएंगे तो मेल्ट इन द माउथ होगा, क्योंकि जब हम गुजिया को फ्राई करते हैं उसकी वॉर्म से भी बहुत ही अच्छा ये रेडी हो जाता है। देखिए मैंने अलग अलग इसको साइजेस में बनाया है, आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए फिर इसे हम फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम सेक पे, तेज सेक पे नहीं करेंगे, कच्ची रह जाएगी, और कम सेक पे भी नहीं करेंगे कि ठंड के तेल पी लेंगे। फ्रेंड्स फिर इसे बनने के बाद मैंने गुलकंद वाली को सर्व किया है, गुलकंद थोड़े से स्प्रिंकलर्स और टूटी फ्रूटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अपने हिसाब से इसको गार्निश दे सकते हैं, देखिए कितनी यम्मी लग रही है। और दूसरी चॉकलेट वाली मैंने वाइट चॉकलेट, ब्लैक ब्राउन चॉकलेट और साथ के साथ मैंने इसे सर्व किया है स्प्रिंकलर्स के साथ, ये भी बहुत ही यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी, एंड ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।